हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? चंद्रेश वाघेला हियर, सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल की ओर से आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक बार क्या हुआ कि भगवान इंद्र ने किसानों को श्राप दे दिया कि 12 साल तक बारिश नहीं गिरेगी, आप फसल मत उगाना, ठीक है। तो सभी किसान वो लोग टेंशन में आ गए, लेकिन वो सभी किसानों ने मिल के भगवान इंद्र से कहा कि हमारे से ऐसी क्या गलती हुई है। लेकिन इंद्र ने कहा, बस मेरा जो श्राप एक बार निकल गया वो निकल गया, 12 साल तक बारिश नहीं गिरेगी। जब भगवान शंकर अपना डमरू बजाएंगे तभी बारिश गिरेगी, ठीक है। तो सभी किसान भगवान शंकर के पास गए, लेकिन पहले से इंद्रदेव ने भगवान शंकर से बातचीत कर रखी थी और कहा था कि आप किसानों के साथ सहमत मत होना, ठीक है। तो सभी किसान अपने घर पे चले गए और 12 साल तक जो बारिश की राह देखनी थी वो देखने लगे। बट उसमें से एक किसान ऐसा था जो फसल उगाने के लिए बार बार रोज अपने फार्म पे जाता था और बार बार वो फसल उगाने की कोशिश कर रहा था। तो सभी लोग थे वो उस पे हंस रहे थे, अरे भाई जो हुआ है, जो इंद्रदेव ने बोला है कि 12 साल तक फसल नहीं उगेगी, तो बार बार तुम क्यों अपना समय और शक्ति अपनी वेस्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसका जवाब बहुत ही बढ़िया था। उसने जो आंसर दिया, उसने ऐसा बोला, मुझे पता है कि फसल नहीं उगेगी, मुझे ये भी पता है कि मुझे मेरा जो समय है, मेरी जो शक्ति है वो भी वेस्ट हो रही है, लेकिन मैं ये कार्य इसीलिए कर रहा हूँ कि शायद 12 साल बाद फसल उगाने का मौका मिले तो मैं ये प्रैक्टिस करूँगा तो वो मुझे वहाँ पे काम आएगी। न जाने अगर मैं 12 साल ऐसे ही बैठा रहा और मैं कार्य करना और मैं श्रम करना भूल गया तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कार्य चालू रख रहा हूँ और जब 12 साल बाद बारिश गिरेगी तो मुझे ये काम आएगा, ठीक है। तो उसकी ये बातें सुन के पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, अगर 12 साल तक आप डमरू नहीं बजाओगे, 12 साल तक आप डमरू नहीं बजाओगे और आप डमरू बजाना भूल गए तो? तो शंकर भगवान ने डमरू बजाने की प्रैक्टिस की। जैसे पार्वती जी ने कहा तो शंकर भगवान ने सोचा, मैं तो डमरू बजाना भूल नहीं गया ना, तो शंकर भगवान ने थोड़े टाइम के बाद डमरू बजाने की कोशिश की। तो जैसे ही डमरू बजा और आकाश में से बहुत सारी बारिशें गिरने लगी और सभी जो किसान थे वो खुश होकर चले गए। इससे जो इसका जो कंक्लूजन निकलता है स्टोरी का, ये स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि ये जो हमारा अभी का लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये लॉकडाउन 2 वीक रहे, 2 मंथ रहे या 2 ईयर रहे, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो ये लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो जब भी ये लॉकडाउन समाप्त होने वाला है तो उससे पहले ये जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें हमारा कौन सा वीक पॉइंट है, हम कौन से पॉइंट में स्ट्रांग है, उस पॉइंट पे आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो और आप मैदान में उतरोगे और आप अपनी शक्ति भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा था और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। इज़ इट क्लियर? तो ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज़ कीजिए, ये टाइम में अपना जो नॉलेज है नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रांग बनाइए और जो स्ट्रांग है उसको बहुत स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है उसमें अपने अपने क्षेत्र में, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करो कि अभी जो आपका टाइम, इतना टाइम आज के बाद नहीं मिलने वाला ऐसा सोच लो, क्योंकि जब भी लॉकडाउन ओपन होगा तो आपके पास स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल का होमवर्क होगा, तो इतनी प्रैक्टिस अभी आप नहीं कर पाओ, तब इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इज़ इट क्लियर? तो ये स्टोरी में से हमें इतना सीखने को मिलता है कि अभी जो हमारे पास टाइम है उसका बेहतरीन यूज़ करना है। थैंक यू सो मच।